हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभांगी जैन फ्रॉम एमी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर कंप्यूटर पोर्शन, दैट इज वर्किंग विद फोटोशॉप। चैप्टर नंबर 8, वर्किंग विद फोटोशॉप। वर्किंग विद फोटोशॉप अलाउज टू वर्क ऑन योर इमेजेस। इसमें हम किस पे वर्क करते हैं, हमारी इमेजेस पर। यू कैन डू अमेजिंग एंड सिंपल चेंजेस टू द इमेज। और हम फोटोशॉप के थ्रू हमारी इमेजेस में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेंज जो हम करते हैं इमेज में वो होता है क्रॉपिंग एन इमेज। किसी भी इमेज को क्या करना, क्रॉप करना। सो द क्रॉप टूल क्रॉप्स आउट अ रेक्टेंगल सेलेक्शन ऑफ योर इमेज एंड थ्रो अवे द रेस्ट ऑफ द इमेज इन्फॉर्मेशन। द स्टेप्स टू यूज़ अ क्रॉप टूल आर। तो क्रॉप टूल में हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर सेलेक्शन करते हैं हमारी इमेज का, कि इतना पार्ट हमें उसका सेव करके रखना है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको टूल बॉक्स पैलेट में से, ये जो हमारा टूल बॉक्स पैलेट होता है, इसमें से आपको क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको इमेज पर इसको लेकर जाना है, क्लिक करना है इमेज पर, और ड्रैग करके आपको जितना एरिया सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और ये वाला एरिया जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा। सो द एरियाज ऑफ द इमेज दैट विल बी रिमूव्ड आर ग्रेड आउट। यानी कि ऐसा एरिया जो अब रिमूव करना है आपको, वो ग्रे कलर में हो जाएगा, और जो आपका ओरिजिनल इमेज है जो आपको रखनी है वो कलर्ड रहेगी। वंस यू हैव मेड द इनिशियल सेलेक्शन एरिया, यू कैन रीसाइज बाय ड्रैगिंग द हैंडल बॉक्सेस ऑफ द सेलेक्शन एरिया। एक बार जब आपने इनिशियल सेलेक्शन कर लिया, उसके बाद आप चाहें तो फिर से उसको क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेलेक्शन एरियाज, प्रेस एंटर। अगर आप एक बार सेटिस्फाई हो गए कि हमें इतना ही सेलेक्शन एरिया चाहिए, उसके बाद आप एंटर पे प्रेस करेंगे और आपकी इमेज क्या होगी, क्रॉप हो जाएंगे। तो ये सारी स्टेप्स किसकी थी, इमेज को क्रॉप करने की। नेक्स्ट है मेकिंग अ सिंपल सेलेक्शन एंड कलर फिल्स। क्या आपको जो आपकी इमेज है उसमें सेलेक्शन करके उसमें क्या करना है, फिल करना है, कलर फिल करना है। तो इसके लिए आपके पास फोटोशॉप में बहुत सारे ऑप्शंस है, कई टूल है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है वो है मार्क टूल, मार्क सेलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड। टू मेक अ सेलेक्शन विद अ मार्क टूल, अब आपको मार्क टूल से कैसे सेलेक्शन करना है, चूज अ मार्क टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। आपको टूल बॉक्स में से मार्क टूल को सेलेक्ट करना है, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ योर इमेज दैट वुड लाइक टू सेलेक्ट। और उसके बाद आपको अपनी इमेज पे क्लिक करना है, उसको वहाँ तक ड्रैग करना है। अ बॉक्स आउटलाइन बाय डैशेज विल शो यू द एरिया यू हैव सेलेक्टेड। और एक डैश लाइन से जो बॉक्स बनेगा वो आपको क्या शो करेगा, वो एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है। सो नाउ यूजिंग मार्क टूल, हेयर द रेक्टेंगुलर मार्क टूल हैज़ बीन यूज। देर आर 4 मार्क टूल्स अवेलेबल। हमारे पास 4 तरह के मार्क टूल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मार्क टूल। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इसमें आपको आपकी जो इमेज है उसको आप या तो रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिंगल रो मार्क टूल। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट, यूज दिस टूल टू सेलेक्ट एवरी पिक्सल अलॉन्ग अ 1 पिक्सल हाई हॉरिजॉन्टल एरिया क्रॉस इन एन इमेज। किसी भी इमेज का एक हॉरिजॉन्टल एरिया आप इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल कॉलम मार्क टूल। इसमें जैसे आप रो को सेलेक्ट करते थे, अब यहाँ पे आप किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, आपकी इमेज में वर्टिकल एरिया यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू मेक अ सेलेक्शन विद द मैजिक वॉन्ड, यूजिंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्शन कैन बी मेड एज शोन हेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवल शेप में आपके पास सेलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक सिंगल रो का सेलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है मैजिक वॉन्ड से सेलेक्शन कैसे करेंगे आप, चूज द मैजिक वॉन्ड फ्रॉम द टूल बॉक्स पैलेट। टूल बॉक्स पैलेट में से आप मैजिक वॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप इमेज को जो सेलेक्ट करना है उस एरिया को आप क्लिक करेंगे। द मैजिक वॉन्ड विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट अ रेंज ऑफ कॉन्टिजिनस सिमिलर कलर्स इन द इमेज दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन। योर सेलेक्शन विल बी शोन बाय एन आउटलाइन ऑफ डैशेज। तो ऑटोमेटिकली ये वो उन एरियाज को सेलेक्ट कर लेगा जहाँ पे आपके पास सिमिलर कलर्स की कॉन्टिजिनस सेलेक्शन है। उसके बाद आपको वो जो एरिया सेलेक्ट हुआ है वो डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ दिस सेलेक्शन कैन बी अल्टर्ड बाय इंक्रीजिंग द टॉलरेंस सेटिंग लोकेटेड इन द टूल ऑप्शन पैलेट एट द टॉप ऑफ योर वर्क स्पेस। तो आपके जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं जिस विंडो पर, उसके टॉप पर एक और पैलेट होगा जहाँ से आप जो आपका सेलेक्शन है उसकी सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसको ऑल्टर या और एडजस्ट कर सकते हैं। सो द स्टेप्स आर, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द कलर दैट यू वॉन्ट टू फिल इट विद बाय क्लिकिंग ऑन द कलर पिकर ऑन द टूल बॉक्स। आप टूल बॉक्स में से वो कलर पिक करेंगे जो आप चाहते हैं कि इस इमेज में वो कलर आए। क्लिकिंग ऑन द टॉप स्क्वायर विल ब्रिंग अप द कलर पिकर फॉर द फोरग्राउंड। तो आपके पास जो एक कलर पिकर होगा वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे और वो कलर पिकर आपके लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करेगा, फोरग्राउंड के लिए। क्लिक ऑन द कलर दैट यू वुड लाइक इन द स्पेक्ट्रम एंड क्लिक ओके। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। द फोरग्राउंड कलर स्क्वायर शुड नाउ बी द कलर यू हैव चूजन। अब जो आपने कलर चूज किया है वो आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा।
सो हेयर टू फिल द एरिया यू हैव सेलेक्टेड गो टू एडिट. अब जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट पे. एडिट पे क्लिक करेंगे, उसके पास जाएंगे आप फिल फ्रॉम द टॉप मीनू बार. वहाँ से आपने जो फोरग्राउंड कलर को चूज़ किया है उस पर क्लिक करेंगे तो अब वो आपके पास ड्रॉप डाउन मीनू में शो होने लग जाएगा. नाउ यू कैन क्लिक ऑन ओके टू सी योर रिजल्ट. उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो पहले हमारे पास ये जो कलर था अब ये चेंज होकर यहाँ पर ब्लू हो गया. सो ये यू कैन सी हेयर दैट द कलर हैज़ बिन चेंज. हैर नाउ यू कैन एड द टेक्स्ट टू योर इमेज ऑल्सो. सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स पैलेट. आपका जो टूल बॉक्स पैलेट है उसमें से आप टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अब आपकी जो इमेज है उसमें आप चाहें तो एक टेक्स्ट भी डाल सकते हैं. जैसे हमारे पास एक इमेज थी बटरफ्लाई की, उसमें हमने मैंशन कर दिया कि ये किसकी इमेज है, बटरफ्लाई की इमेज है. अब आप अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे. उसके बाद यू कैन चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट साइज. अब आप चाहें तो आपने जो टेक्स्ट टाइप कर दिया उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द टूल ऑप्शन पैलेट एट द टॉप ऑफ फोटोशॉप वर्कस्पेस टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट. अब आपको अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कलर स्क्वायर पर क्लिक करेंगे. उसके बाद क्लिक इन द स्पेक्ट्रम ऑन द कलर यू वुड लाइक द फॉन्ट टू बी. अब आपके पास जो स्पेक्ट्रम है कलर्स का पूरा, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि हमें ये वाला कलर चाहिए. उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे और वो कलर ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा. नोट, सेव द ग्राफिक यू आर वर्किंग ऑन इन फोटोशॉप इन फॉर्मेट डॉट पीएसडी एज वेल एज योर फाइनल आउटपुट फॉर्मेट. दिस विल इनेबल यू टू गो बैक टू द वर्क. तो आपके लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ है कि जब भी आप वर्क करें फोटोशॉप में, एडिट करें, तो एक कॉपी उसकी हमेशा से हमेशा बनाकर रखें. नाउ कंप्यूटर्स रिकग्नाइज मैनी कलर फॉर्मेट, सम कॉमन चॉइसेस इंक्लूड. अब कंप्यूटर जो कलर्स आइडेंटिफाई कर सकता है उनका फॉर्मेट अलग होता है. RGB कलर्स मीन्स इट लिस्ट अ वैल्यू बिटवीन 0 and 255 फॉर ईच ऑफ द रेड ग्रीन ब्लू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कलर. तो इसमें एक वैल्यू डिफाइन होती है 0 से लेकर 255 तक, किन कलर्स के लिए, रेड ग्रीन और ब्लू के लिए. द एब्सेंस ऑफ कलर इज कम्प्लीटली ब्लैक. अगर इनकी एब्सेंस रहेगी तो वो पूरा क्या होगा, ब्लैक रहेगा. 255, 255 और 255. तो ये होता है कि ये वो वैल्यू होती है जहाँ पे आपकी इमेज का जो कलर है वो प्रॉपरली पूरा ब्लैक होगा. द प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स इज कम्प्लीटली वाइट. और अगर सारे कलर्स इक्वली प्रेजेंट है तो फिर वो इमेज कैसे शो होगी, वाइट. सो मोस्ट फोटोशॉप आर्टिस्ट वर्क इन RGB. इसलिए सभी लोग किस पर वर्क करते हैं, RGB पे, जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन वी हैव CMYK कलर. इट लिस्ट अ परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द कलर्स, जिसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं, कैन, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक. इट कैन बी बेस्ट बी थॉट ऑफ एज अ कलर प्रिंटर कार्ट्रिज कलर्स. ये हम किस में यूज़ करते हैं, हमारे जो कलर प्रिंटर्स होते हैं उनकी कार्ट्रिज में यही कलर्स यूज होते हैं. सम ग्राफिक डिजाइनर चूज टू कन्वर्ट देयर वर्क आफ्टर इट हैज़ बीन डन इन RGB. तो यूजअली क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स, वो अपने वर्क को पहले RGB में करते हैं और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, CMYK में, जिससे क्या हो कि जो सेंस है, बेटर इमेज आपकी प्रेजेंट होगी और प्रिंट करने पे भी उसका व्यू अच्छा आएगा. नेक्स्ट ए ग्रे स्केल. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक. इट्स अ कलर मोड दैट ऑपरेट्स एंटायरली इन ब्लैक एंड व्हाइट. ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन होता है. यूजुअली इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन इमेज टू ग्रे स्केल यू विल फर्स्ट नीड टू फ्लैटन इट. तो सबसे पहले आपको अपनी इमेज को प्लेन करना होगा, उसके बाद आपको उस पर क्या अप्लाई करना होगा, ग्रे स्केल अप्लाई करना होगा. नेक्स्ट है बिट मैप. इट ओनली अलाउज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स. इसमें सिर्फ हम पिक्सल्स की फॉर्म में हमारी इमेज को देख सकते हैं. लैब कलर की बात करें तो इट रिप्रेजेंट कॉम्पोनेंट 3 components, लाइटनेस, कलर वैल्यू फ्रॉम रेड टू ग्रीन एंड कलर वैल्यू फ्रॉम ब्लू टू येलो. तो इसमें हमारा एक कलर वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं. दिस इज़ अनदर नॉन स्टैंडर्ड कलर चैनल और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम रेयरली यूज़ करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.